गोल्डन ड्रिंक फॉर गोल्डन बेनिफिट्स। नमस्कार, मैं सारिका पंकज, स्वागत है आप सबका शूट वुड के हेल्थ मेनिया चैनल पर। मैं जानती हूँ हम सब पूरा विश्व अभी पेंडेमिक के दुष्प्रभाव में चल रहा है। हर पल हमें वायरस के खतरे में सांसें लेनी पड़ रही हैं और ऐसे में मामूली सर्दी जुकाम भी हमारे लिए सिरदर्द बन सकता है। सर्दी खांसी गला दर्द में ये नुस्खा आपके बहुत काम आएगा। आइए एक स्वादिष्ट नुस्खा आज आपको बताते हैं। 2 ग्लास दूध और 1/2 कप पानी, उसे पहले मिला लेंगे और फिर जो गैस जलाकर उसे सिंपल कर लेंगे। घर में आसानी से मिलने वाली हल्दी पहला इंग्रेडिएंट है जो कि हर किसी के किचन में होता है, मगर आपके पास अगर कच्ची हल्दी हो तो बहुत अच्छा। और आसानी से चूंकि नहीं मिलती ये हल्दी तो कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक फ्रेश पैकेट वाली हल्दी इस्तेमाल करेंगे 1 छोटा चम्मच। आप सभी जानते ही होंगे कि हल्दी एंटी ऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और अब डालेंगे 2 टुकड़े 1-1 इंच का दालचीनी जो कि खांसी में गले को आराम देता है, और उसके बाद डालेंगे 4 लौंग, कूट लें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसे घिस कर डालेंगे। आपको अदरक के विषय में तो पता ही होगा कि एंटीबॉडी क्रिएटर होता है, इम्यूनिटी बूस्टर तो होता ही है, और गले के दर्द में अदरक का काढ़ा हमेशा काम आता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित करने वाला तो होता ही है ये। सर्दी खांसी में अचूक उपाय 2 चीज़ों की होती है, काली मिर्च और तुलसी। और अब इनकी बारी है। काली मिर्च 4 से 6 दाने कूट कर और तुलसी के कुछ पत्ते धोकर डालेंगे। ये दोनों ही चीज़ें इन्फेक्शंस को दूर करने में सहायक होते हैं और इनका आपस में एक साथ सेवन कंधे से ऊपर हो रही किसी भी बीमारी को दूर करने में सहायक होता है। अब उबाल आने पर थोड़ा सा गुड़ डालकर गैस बंद कर देंगे। नॉर्मल होने के बाद यानी कि पीने के लायक होने के बाद इसे स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, गुनगुना ही पीना है इसे। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा इसके कलर की वजह से भी और स्वाद की वजह से भी। अच्छा, एक बात आपको बताती हूँ, अगर आप गुड़ न डालना चाहें तो कोई बात नहीं, गैस से उतारने के बाद छान लें और तब उसमें 2 चम्मच शहद मिला दें। शहद के साथ लेने से एक अलग ही फायदा होता है, नींद बहुत अच्छी आती है। तो कैसा लगा ये नुस्खा, ये तो आपको करने के बाद पता लगेगा। और करने के बाद एक और भी काम करना है आपको। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी और आपने जब इसका इस्तेमाल किया तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं, वो ज़रूर बताएंगे। अगले वीडियो में अगले उपाय के साथ हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।